हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल द मार्केट? अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच बेच के, बिकॉज वी न्यू इट वॉज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा, बिकॉज यू नो इतना पैसा है, और वैल्यूएशन वॉज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की NAV ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160, हमने शॉर्ट मार दिया नेक्स्ट डे बहुत 240। तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था हमने 40 करोड़ का, मैं बोला 40 करोड़ का शेयर बेच दो कुछ भी स्टेट बैंक ये, और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ के शेयर बेचो और हवालन करो। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इफ द मार्केट गोज अप माई पोर्टफोलियो विल गो अप। सो व्हाट आई डू इज दैट आई सेल शेयर्स वर्थ से 10 रुपीज, इफ द मार्केट गोज अप दैट 10 बिकम्स 12, माई पोर्टफोलियो ऑल्सो बिकम्स 12। So I sell 12 and I sell 12 too and pay the difference. और जब घटना चालू हुआ तो हमने तो बोला भाई वी रियली पेन, बिकॉज 100 रुपए में लिया था मेरे दोस्त ने ACC, 100 रुपए में उसके अंडर 3 साल पहले उसकी राइट इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुई थी और उसने वो ACC 10,100 रुपए में बेचा। वो 100 रुपए वाला ACC ऐसा क्या ACC सोना बनाती थी? वो एक मेरा दोस्त था, मैंने बोला दोस्त मैं तो टाटा टी के शेयर ले लिए, बहुत घबराहट लगता है, फंडामेंटली तो 80 का पी है। बोले राकेश सब फंडा का मेंटल है, के बात करें आप समझे ना। सो आई बिकॉज सी वी हैव टू सी द मार्केट विद रियलिटी, वी डोंट हैव टू ज्वाइन एवरी पार्टी। कि कोई लोग कैसे बिलीव करते हैं, आपको भी आके बोलते हैं अर्षद भाई ले छे तुम्हें भी ले 3200 में, बोलता है वो आप 3600 तक नहीं लेते हो, आप 3800 में लेते हो भाव 4400, आप अपने दो दोस्त को बोलते हो ए सूचे ले ले ACC, अर्षद भाई बोले छे 5000। बट यू हैव टू सी व्हाट द रियलिटी इज नो, मार्केट अल्टीमेटली गो ऑन रियलिटी। अब वो हिमाचल ग्लोबल अभी गोल्डमैन सैक जैसे 3,000-4,000 में बाय रिपोर्ट निकलते, सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हीट एंड द शेफ।